एक नेक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में दरिया अबूर करना था। आदमी ने कश्ती का इंतजाम किया और वो दोनों दरिया अबूर करने लगे। कश्ती बीच दरिया पहुंची ही थी कि दरिया में तूफान आ गया। उस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल था, लेकिन आदमी ऐसा इत्मीनान से बैठा था जैसे कुछ गैर मामूली हो रहा हो। ये देखकर बीवी को हैरत हुई। वो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नजर नहीं आ रहा? तूफान कश्ती को डुबोने लगा है, मौत हमारे सर पर खड़ी है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खामन ने अपनी तलवार हयाम से निकाली और बीवी की इशारत पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये कैसा मजाक है? खामन ने पूछा, क्या आप अभी मौत से खौफ ज्यादा नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा? ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर इत्मीनान है। मुझे पता है कि आप मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर खामन बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर इत्मीनान है, ऐसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है और ये तूफान भी अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो इसे रोक ले, तो अगर चाहे तो हमारी कश्ती को डुबो कर हमें बचा ले। याद रखें, अल्लाह जो भी फैसला करे वो हमारे हक में बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।